हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, एनडीए 1 2022 के रिजल्ट आने के बाद अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट आ रहा है कि सीडीएस 1 2022 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका नोटिफिकेशन आया था, मतलब एनडीए 1 2022 का नोटिफिकेशन और सीडीएस 1 2022 का नोटिफिकेशन, एनडीए 1 2022 का एग्ज़ाम डेट और सीडीएस 1 2022 का एग्ज़ाम डेट, दोनों का एग्ज़ाम डेट और नोटिफिकेशन सेम डेट में था, तो रिजल्ट क्यों अलग अलग डेट में आ रहा है? रिजल्ट भी सेम डेट में आना चाहिए, ये कैंडिडेट के मन में एक डाउट आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीडीएस 1 2022 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ये मैं आपको प्रूफ के साथ यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाने वाला हूं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बाद इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इसके बाद जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो एसएसबी कब से स्टार्ट हो जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप सिंपली इस चैनल में एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज्वाइंट इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर करना होगा, और किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इसी चैनल के माध्यम से मालूम होने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो ये जो पीडीएफ आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये पीडीएफ मैंने यूपीएससी सीडीएस 1 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया था वो ओपन कर लिया हूँ। ये ऑफिशियल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी नोटिफिकेशन में पेज नंबर 10 में क्लियरली मेंशन है कि आपका रिजल्ट किस मंथ किस डेट में आने की संभावना है। यही जब आप पेज नंबर 10 में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन दिख जाएगा। ये अब हम आ गए हैं पेज नंबर 10 पे। तो पेज नंबर 10 में जब आप देखेंगे रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पे मैं एक बार जूम कर दे रहा हूँ आप सभी के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे डिक्लरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विच इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ मे 2022 फॉर सबमिशन टू द आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर एंड एयर हेडक्वार्टर एज इन केस मे बी। बेसिकली आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो रिजल्ट जो आपका सीडीएस 1 2022 का आने वाला है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ओटीए, कोई भी आपका फर्स्ट चॉइस हो, आपका रिजल्ट मई के मंथ में ही आने वाला है। अब 9th of May का एनडीए का रिजल्ट आ गया था, बस आपको 5 दिन और इंतजार कर लेना है। आपको 15 मई तक, 10 मई से लेकर 15 मई, मतलब आज से लेकर 5 दिन तक और इंतजार कर लेना है। इसी 5 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने की संभावना काफी ज्यादा है और आ भी सकता है। वैसा यूपीएससी अगर चाहे तो आज भी इसका रिजल्ट शाम तक डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं कि इसी 5 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि यूपीएससी एनडीए का और सीडीएस का एग्जाम दोनों सेम डेट हुआ था, यहां तक कि उसका नोटिफिकेशन सेम डेट आया था। तो रिजल्ट में भी कोई डेट का ज़्यादा गैप नहीं होने वाला है, जस्ट 3 से 4-5 दिन तक गैप हो सकता है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको ज्वाइंट इंडियन आर्मी के साइट पे रजिस्टर करना होगा। ये ज्वाइंट इंडियन आर्मी के साइट पे रजिस्टर करने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरह से ज्वाइंट इंडियन आर्मी के साइट पे रजिस्टर करना होगा, कहाँ पर लॉगिन करना होगा, आपको एसएसबी का डेट्स किस तरह से सेलेक्ट करना होगा, एसएसबी का कॉलम लेटर कहाँ से डाउनलोड करना होगा, आपको किस तरह से फिल करना होगा एसएसबी का जो कॉलम लेटर है, उसके बाद आपको एसएसबी में कहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, तमाम डाउट मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी को लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा हूँ, आप वो वीडियो को जरूर देख लेना, और आज ही अगर आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी पे कोई अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अकाउंट बना लो, क्योंकि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके पास ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। इसी ज्वाइन इंडियन आर्मी के अकाउंट से आपको जो एसएसबी का जो कम्युनिकेशन होगा, जो एसएसबी का जो सेंटर आपसे कम्युनिकेट करेगी, इसी ज्वाइन इंडियन आर्मी के थ्रू कम्युनिकेट करने वाला है। इसीलिए जब आप रजिस्टर करेंगे तभी आपका एसएसबी का कॉल ऑफ लेटर आएगा, लेकिन जब आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो आपका एसएसबी का कॉल ऑफ लेटर नहीं आएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्टर कर लें, उस वीडियो को देखकर स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस उसमें क्लियरली मेंशन है। अब देखिए जो कट ऑफ के बात है, तो कट ऑफ को लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये था वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर
आपको कोई और डाउट है तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। और कुछ लोग को लगता होगा कि ये SSB का डेट्स कब से स्टार्ट होगा, तो जो आपका ये SSB का डेट स्टार्ट होने वाला है, ये आपका SSB का डेट्स रिजल्ट आने के 30 दिन बाद आपका SSB का डेट स्टार्ट हो जाएगा। और इसी SSB के डेट्स पे आपको जो आपका सेंटर अलॉट होगा उसी सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा आपको SSB इंटरव्यू के लिए। फिलहाल CDS 2021 का SSB का डेट्स अभी तक नहीं आया है, अब आने ही वाला है, इसी मंथ में उसको आने की संभावना है। जैसे ही आता है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाएगा कि आपको CDS 2021 का SSB का डेट्स आ गया है। लेकिन अभी जो CDS 1 2022 का जो रिजल्ट आने वाला है इसी मंथ जस्ट 5 दिन के अंदर आ जाएगा। अभी आप ज्वाइन आर्मी की साइट पर रजिस्टर कर लें, उसके बाद SSB स्टार्ट हो जाएगा। SSB के बारे में आपको लगातार अप टू डेट वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अगर आपको मन में कोई और डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट पे जरूर कमेंट करें, मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यून टिल द एंड। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़।